अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम माजरत के साथ मैं हूँ शाहिद मेतला। पाकिस्तान में आज इंतहाई गैर मामूली वाकया हुआ है। न्यूजीलैंड की टीम ने आखिरी लम्हात में पाकिस्तान के साथ होने वाले वनडे मैच को कैंसिल कर दिया। उसके बाद वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब ने न्यूजीलैंड की वजीर आजम से भी बात की और उनको यकीन दहानी करवाने की कोशिश की कि पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं वो इंतहाई फूल प्रूफ है और हमारा जो इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स है वो भी दुनिया में बेस्ट है। लेकिन इस यकीन दहानी पर न्यूजीलैंड की वजीर आजम ने यकीन नहीं किया और उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की हिफाजत ज्यादा अहम है, ज्यादा सुपीरियर है। इस बात को लेकर पूरी दुनिया में अच्छा खासा शदीद रद्द अमल सामने आ रहा है और खास तौर पर न्यूजीलैंड के अनप्रोफेशनलिज्म को क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि ऐसा कभी भी नहीं होता कि एट द 11th आवर कोई भी टीम मैच खेलने से इनकार कर दे। दूसरी जानिब यह भी पाकिस्तान की जानिब से मौकिफ सामने आ रहा है कि शायद इस मामले को ICC के सामने रखा जाएगा। सवाल यह पैदा होता है कि जो बायलेटरल सीरीज हो उसको ICC के सामने रखा जा सकता है या नहीं। फिर शेख रशीद साहब की जानिब से भी स्टेटमेंट सामने आया, उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड की टीम को ये ऑफर भी दी गई थी कि शायकिन के बगैर हम मैच करवा सकते हैं और इस पोजीशन में है कि आपकी सिक्योरिटी के मुकम्मल इंतजाम इंश्योर किए जाएं, लेकिन इस बात पर भी वो अग्री नहीं हुए। अब चेयरमैन PCP रमीज राजा साहब कह रहे हैं कि इस मामले को ICC में उठाया जाएगा। अब पाकिस्तान के पास इस हवाले से क्या ऑप्शन मौजूद हैं? कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट है हमारी और इसके लिए पाकिस्तान को बड़ी संजीदगी से गौर करने की जरूरत होगी कि आने वाले वक्त में लाहे अमल क्या होगा। न्यूजीलैंड का भी बायकॉट हो सकता है या नहीं, जो भी इंटरनेशनल इवेंट्स होंगे। अब मुझे यहाँ पे एक इंसिडेंट और एक स्टोरी भी याद आ रही है। मुझे एक डिप्लोमेट के साथ जो मुलाकात हुई थी वो प्रोग्राम के जब आगाज हो जाएगा तो उसके दौरान भी बात की जा सकती है। तो फिलहाल मैं चाहूँगा कि मैं गेस्ट का इंट्रोडक्शन भी करवा दूँ और दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे जो सियासी इश्यूज चल रहे हैं। नवाज शरीफ साहब आजकल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो इजलास हैं तंजीम साहबजी के हवाले से उस पर खिताबात कर रहे हैं और उन्होंने हदायत भी की है कि तंजीम साजी जल्द अज जल्द मुकम्मल कर ली जाए। उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दिया है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ ऐसा जो उनकी कोई लड़ाई नहीं है, आयन और जमहूरियत की खातिर वो बात करना चाहते हैं और मामला को आगे लेकर जाना चाहते हैं। मरियम नवाज साहबा का एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सामने आया, उन्होंने कहा है कि इख्तलाफ हो सकता है लेकिन क्यादत पर किसी किस्म का इख्तलाफ मौजूद नहीं है। चूंकि शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज साहब मुख्तलिफ जो तंजीम के इजलास हैं उसमें शरीक नहीं हो रहे थे और इसको लेकर खबरें गर्दिश कर रही थी। इसी तरह की मजीद भी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। आज बहुत जबरदस्त से पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद है, अता तारेट साहब सीनियर रानमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के डेप्टी जनरल सेक्रेटरी भी हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। जमशेद चीमा साहब मुआवने खसूसी हैं, बहुत वोकल हैं और सीनियर रानमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। मजहर अब्बास साहब सीनियर तजियाकार सीनियर सहाफ़ी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आमिर सुहेल साहब फॉर्मर कैप्टन हैं और बहुत दबंग बात करते हैं। आमिर सुहेल साहब, मैं सबसे पहले आपसे आगाज करना चाहूँगा, न्यूजीलैंड का मैच को मनसूख करना और फिर दौरे को मनसूख कर देना अनप्रोफेशनलिज्म की निशानी है? देखिए, अनप्रोफेशनलिज्म तो प्रोफेशनल तो आप कहेंगे ना कि उन्होंने कोई ब्रीच की हो। यहाँ पे आपको एक चीज का जो इदराक होना चाहिए कि स्टेट टू स्टेट जब बात होती है या दूसरी चीजें होती हैं तो अगर न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर ने अगर इसको इनकार किया तो उनके पास जो है एक्शनेबल इंटेल थी। और यहाँ पे जो अगर आप पीरियोडिकली या इसको थोड़ा सा दूसरी तरह देखें कि सबसे पहले तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फेल टू कन्विंस द न्यूजीलैंड साइड, उसके बाद जो भी इदारे इसमें इन्वॉल्व थे दे फेल, उसके बाद ये बात गई प्राइम मिनिस्टर साहब के पास। प्राइम मिनिस्टर साहब को फौरन कहना चाहिए था कि हमने आपको क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन या क्रिकेट बोर्ड इसलिए बनाया हुआ कि आप अपने मामला हल करें। उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने फोन कर दिया। अब मेरे लिए जो सबसे ज्यादा एम्बेरेसिंग और अलार्मिंग चीज ये है कि एक पाकिस्तान का मशहूर क्रिकेटर एक्स कैप्टन देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री वो अपने काउंटर पार्ट को फोन करते हैं और उनको अगर वो कन्विंस करने में नाकाम रहे हैं कि हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो सिक्योरिटी प्रूफ प्रोवाइड कर सकती हैं, अगर वो कन्विंस करने में नाकाम हुए तो दैट इज वेरी एम्बेरेसिंग फॉर हिम एज वेल और हमारे लिए भी बहुत ज्यादा हमारे। लेकिन आमिर सुहेल साहब, आपको लगता नहीं कि न्यूजीलैंड ने ये दौरा मंसूख करना ही करना था और शायद ये सारी चीजें
प्री प्लान थी, बिकॉज जिस तरह से रिएक्शन आया न्यूजीलैंड का, और पाकिस्तान ने तो ये भी ऑफर दी थी कि हम शायकिन के बगैर भी मैच कंडक्ट कर सकते हैं। देखिए, देर आर टू थिंग्स, एक स्पेकुलेट करना और एक एक्सट्रापुलेट करना। अगर आप मुझे स्पेकुलेट करने के लिए कहेंगे वो मैं नहीं कर सकता, अगर आप एक्सट्रापुलेट करने के लिए कहेंगे वो मैं, जो मेरी समझ है उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। देखें, जो आपकी नेबरिंग कंट्री अफगानिस्तान में जो जो इवेंट्स हुए हैं, उसके बाद आपको एक चीज का इदराक होना चाहिए कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स चेंज हो गई है। जब आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स चेंज हो गई है, दीज आर द साइन ऑफ थिंग्स टू कम फॉर पाकिस्तान, और ये स्टेट के लिए बड़ा अलार्मिंग चीज है। देखिए, 2015 से आपने बहुत हार्ड वर्क किया टेररिज्म को जो है वो अपरूट करने के लिए, मेहनत की, हमारे जनरल बाजवा साहब ने बहुत एफर्ट किया, फॉरेन टीमों को कॉन्फिडेंस बिल्डिंग उनकी की, टीमें आनी शुरू हुई, पीएसएल से स्टार्ट हुआ, आपकी साउथ अफ्रीका की टीम आ गई, और सडनली ये ट्रांसपायर हुआ है, और ये स्टेट के लिए बहुत ज्यादा अलार्मिंग चीज है। और मैं ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब को इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से देखना चाहिए था, हाइपोथेटिकली उनको ये करना चाहिए था कि देखिए, हाइंडसाइट में सारी चीजें आसान होती हैं, लेकिन उनको कहना चाहिए था कि मैं दौरे पे हूँ, मैं पाकिस्तान वापस जाके जिस सारी चीजों को देख के हम लोग इसके ऊपर फैसला करेंगे, टिल देन इसको पेंडिंग रखें। नहीं, उसमें तो आमिर सोहेल साहब, ये ऑप्शन पाकिस्तानी हुकूमत के पास तो शायद नहीं थी, क्योंकि न्यूजीलैंड वाले तो कह रहे थे कि हमें फौरी वापस जाना, और अब कल उनके लिए चार्टर प्लेन भी आ रहा है और कल वो चले जाएंगे, ये तो बड़ी इंस्टेंट डेवलपमेंट है ना। नहीं नहीं, मुश्किल डेवलपमेंट, यही तो बात होती है, मुश्किल सिचुएशंस को डील करना आना चाहिए ना। आप देखें, अब आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये फार रीचिंग है, ये कॉन्सिक्वेंशियल है। अब आपने जो नारा लगाया हुआ था कि फ्रॉम टेररिज्म टू टूरिज्म, वो तो डाउन द ड्रेन जाता आपको नजर आ रहा है ना। आप आगे से अगर आपकी ट्रेवल एडवाइजरी आ जाए पाकिस्तान के ऊपर, ये वर्ड ऑफ माउथ बन गया, एक आधी टीम और ना आई तो फिर आप वेड यू स्टैंड। तो आई थिंक स्टेट को जो है अलार्म होना चाहिए, यहाँ पे अलर्ट होके यहाँ पे रिएक्ट करना चाहिए, एंड मेक श्योर कि ये वाला टूर रहना चाहिए, क्योंकि कल जाना है न्यूजीलैंड की टीम का चार्टर प्लेन, कल आना है, अभी भी आपके पास बहुत टाइम है। जब आप डिप्लोमेसी की बात करते हैं, स्टेट टू स्टेट की बात करते हैं, तो कई चीजें जो है घंटे में हल हो जाती है। सो इसको हमें सीरियसली लेना है, ये कुछ छोटी मोटी चीजें हैं, आपका अपना स्लोगन जो है वो डाउन द ड्रेन जाने के खतरे में है। तो आप समझते हैं अभी भी पाकिस्तान के पास ऑप्शन है कि वो न्यूजीलैंड को कन्विंस कर सके? बिल्कुल करना चाहिए जी, आपको उनको कन्विंस करना चाहिए कि हमारी पाक फौज ने अपनी जाने कुर्बान की है फॉर वर्ल्ड पीस, हमें तो नुकसान हुआ ही हुआ है, तो वो डाउन द ड्रेन ना जाए। आपने उनको कन्विंस करना है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्स कैपेबल। आमिर साहब, अगर ऐसा नहीं होता, नहीं कन्विंस होते, तो पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन होंगे? आईसीसी में जाना चाहिए, न्यूजीलैंड का बायकॉट करना चाहिए फ्यूचर में? नहीं नहीं नहीं, आईसीसी में आप क्या करेंगे जाकर? यू नो कि आईसीसी ने आपको क्या करके देना, वहां से आपको कोई इतना ज्यादा रिलीफ नहीं मिलना, इट्स अ बायलैटरल सीरीज, ये आपका अपना जो है इश्यू है इसके ऊपर। आईसीसी ज्यादा से ज्यादा कंडेम कर देगी, हमने कितने आईसीसी के पास जाके केसेस जाके लड़े हैं, उसका कोई आउटकम नहीं हुआ। So, आपका ये स्टेट टू स्टेट होगा, स्टेट टू स्टेट आपने उनको कन्विंस करना है कि भाई दिस इज नॉट द राइट इंटेल। आपने उनके पास, अगर उन्होंने स्टेट ने ये कहा है कि नहीं हम टीम वापस बुला रहे हैं, तो इसका मतलब है उनके ऊपर, उनके पास एक्शनेबल इंटेल है। जब एक्शनेबल है तो आपने उसको रिफ्यूज करना है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, रिफ्यूज करना। हम इसको चैलेंज, आपको लगता है, गॉट इट जी, आपको लगता है ये कॉन्स्पिरेसी है अगेंस्ट पाकिस्तान एंड अगेंस्ट पाकिस्तानी क्रिकेट? अगर ये हो रहा है तो ऑब्वियसली कॉन्स्पिरेसी है, लेकिन ये थ्योरीज मैं नहीं जाऊंगा कि फलाना इसमें जो है एक्टर मौजूद है, फलाना ये है। मेरा सिंपल सा, जो मेरी समझ कहती है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स चेंज हो रहा है, दिस इज सम सॉर्ट ऑफ अ मैसेज, व्हाट वी नीड टू अब्सॉर्ब एंड रिएक्ट टू इट। बिल्कुल सही है आमिर सोहेल साहब, मैं आपके साथ भी इन्फॉर्मेशन, बाकी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके साथ भी करना चाहूंगा। जब 2 या 3 साल पहले श्रीलंकन टीम ने पाकिस्तान आना था, तो मुझे एक सीनियर डिप्लोमेट ने कहा कि मोदी के ऑफिस से श्रीलंकन प्रेसिडेंट और श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर को
इंफॉर्मेशन भिजवाई गई है, इंतबाही मरासले भिजवाए गए हैं जिसमें यह कहा गया कि श्रीलंकन टीम को आप पाकिस्तान मत भेजिए, अगर आप भेजेंगे तो दहशतगर्दी का खतरा है और उन पर हमला हो सकता है। तो इस तरह का भारत रोल प्ले करता है, लेकिन उसके बाद जो श्रीलंका के सिक्योरिटी हुकाम थे वो पहले ही यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने ISI के साथ और हमारे जो सिक्योरिटी के ऑपरेटर्स थे उनके साथ मिलकर काम किया और फूल प्रूफ इंतजाम तो उनके लिए किए। बहरहाल बहुत शुक्रिया आमिर सुहेल साहब। अता तारेट साहब, आपको क्या लग रहा है कि ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, हुकूमत का फेलियर है? बहुत शुक्रिया बेतला साहब। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड का दौरा किया जब ताज़ा ताज़ा क्राइस्ट चर्च मॉस्क अटैक का वाकया हुआ था और इस्लामोफोबिया के तहत वो किया गया था। और आप जानते हैं कि जब इस्लामोफोबिया के तहत कोई इतने मास स्केल पे मुसलमानों को एक मस्जिद में घुस के कत्ल किया गया है, शहीद किया गया है, जब वो अपनी इबादत कर रहे थे, तो पाकिस्तान ने तो तब नहीं कहा कि जी हम नहीं जाएंगे न्यूजीलैंड, वहां पे इस्लामोफोबिया के वाकयात हो रहे हैं। तो ये हमारे पास डिप्लोमेटिकली स्पीकिंग बहुत बड़ा टूल था कि जी आपने तब दौरा किया जब उनकी कौम मुश्किल में थी, जब वो एक दर्दनाक वाकये के बाद एक अजियत से गुजर रहे थे। हमने तो तब नहीं कहा कि हमारे सिक्योरिटी खदशात है, हालांकि हम मुसलमान होते हुए कह सकते थे कि ये इस्लामोफोबिया का एक वाकया है और हम इसके तहत दौरा नहीं करते। और देखिए, ये जो वॉर ऑन टेरर है ये कोई पाकिस्तान की जंग तो नहीं थी, हमारे यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, ये एक इंटरनेशनल लेवल पे एक जंग लड़ी गई जिसके अंदर कुर्बानी किसने दी? पाकिस्तान ने दी, हमारी पाक फौज ने, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों ने, हमारे शहरियों ने, हमारे ब्यूरोक्रेट्स ने, मतलब हमारे लोग जो शहीद हुए हजारों की तादाद में हुए। और देखिए, ये मैं समझता हूँ कि ये हमने जब ये नेशनल एक्शन प्लान की इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुई, ज़रब अज़ब हुआ, रद्दुल फसाद हुआ, तो उस दौरान हमने कराची का भी अमन बहाल किया और एक पॉलिटिकल विल थी कि हमने तमाम स्टेक होल्डर्स को एक टेबल पे बिठाया। क्रिकेट भी जब लौटा तो हमारे दौर में लौटा, और देखिए इसमें बड़ी काबिशें हैं बहुत सारे लोगों की। और अगर मैं नजम सेठी साहब का यहाँ जिक्र ना करूँ कि जिनको हमने तब चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड लगाया तो ये ज्यादती होगी, उनकी ज़ाती तौर पर बड़ी काबिशें हैं। और डिप्लोमेटिक लेवल पर भी बहुत सारे पाकिस्तान के सफीर हैं जिन्होंने इसको मैनेज किया। और देखिए, मुझे वो जिम्बाब्वे का टूर याद है, लाहौर में एक वाकया हो गया, कोई सिलेंडर ब्लास्ट था किसी रिक्शे में, उसको रंग देने की कोशिश की गई मगर पूरा पाकिस्तान इकट्ठा हो गया और उन्होंने कहा कि ये दहशतगर्दी का वाकया नहीं है। और हम जिम्बाब्वे की टीम को पूरा तहफ्फुज़ हासिल है, मैच हो रहा है और मैच कंप्लीट होगा और ये दौरा भी कंप्लीट होगा। देखिए, आपको बैनुल अक्वामी सतह पर अपने इमेज को बेहतर करने के लिए अगर आपने इकदाम नहीं किए और आपने न्यूजीलैंड के क्रिकेट बोर्ड को, आपने न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट को, उनकी यहाँ पे डिप्लोमेटिक मिशन को, आप अगर ये मुतमईन करने में नाकाम रहे, और मैं समझता हूँ इसमें बहुत हाथ शेख रशीद साहब की इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स का भी है, वो बतौर इंटीरियर मिनिस्टर अजीब बातें कर देते हैं और फोकस नहीं है ना। इंटीरियर मिनिस्टर भी पोलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रहा है, वो अपोजिशन के खिलाफ, ये फलां जेल जा रहा है, जी फलां जेल से बाहर आ रहा है। आप मुझे बता देना कि लॉ एंड ऑर्डर पे और सिक्योरिटी के अरेंजमेंट के ऊपर कोई एक डेडिकेटेड आदमी है जो प्रोफेशनल हो, जो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की बात करे, जो गालियां ना दे, जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन। आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत की नाअहली की वजह से ये दौरा मनसूख हुआ है और न्यूजीलैंड का इसमें कोई कसूर नहीं है, आपको नहीं लगता पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए आखिरी मोमेंट पर ये मनसूख किया गया है? मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा, अगर मैंने ये कहना होता तो मैं क्राइस्ट चर्च वाली बात ही ना करता, न्यूजीलैंड का इसमें बहुत बड़ा कसूर है, मगर देखिए हमारा भी कसूर है ना, कुछ अपनी भी गलती माननी चाहिए। मैं यहाँ पे एक जिक्र करूंगा कि जब श्रीलंकन क्रिकेट टीम पे लाहौर में अटैक हुआ था और उसकी इंक्वायरी हुई थी, उसमें से कितने अफसरान हैं जिनको सजा मिली, कितने अफसरान हैं जिनको नौकरी से बर्खास्त किया गया, या तब आपकी हुकूमत थी 2009 में अटैक हुआ था? मैं वही कह रहा हूँ ना, नहीं हमारी हुकूमत नहीं थी, हमारी हुकूमत नहीं थी, गवर्नर राज लगा हुआ था और सारे अफसरान सुकून में थे, मरहूम सलमान तासीर साहब उस वक्त गवर्नर भी थे, चीफ मिनिस्टर भी थे, गवर्नर राज के दौरान हुआ था, मुझे अच्छी तरह याद है क्योंकि हम उन दिनों बेदखल हुए हुए थे और वो सारे अफसरान सुकून में थे कि शहबाज शरीफ कौन सा सर पे बैठा हुआ है। गवर्नर राज तो तारेट साहब बड़े ब्रीफ से अरसे के लिए लगा था और उसके बाद खत्म हो गया। मगर ये अटैक गवर्नर राज के दौरान हुआ है ना? नहीं, मगर ये मैं वही कह रहा हूँ ना, गलती माननी चाहिए, हमने भी उन अफसरान को सजा देने में हमारी नाकामी है, मैं मान रहा हूँ, ये मैं तस्लीम कर रहा हूँ, ये माननी चाहिए,
हमने अगर उन अफसरान को सजा दी होती तो आज को हालात बेहतर होते। और देखिए ये, मगर हमने क्या किया, हमने रोशनियां बहाल की, लोड शेडिंग का खात्मा किया, दहशतगर्दी का खात्मा किया, क्रिकेट वापस लौटाया, अब रिवर्स गियर लग गया हर चीज को। तो ये गवर्नमेंट को थोड़ी अपनी परफॉर्मेंस को संजीदगी से देखना होगा। न्यूजीलैंड का बहुत बड़ा कसूर है और उनको ये फेवर रिटर्न करनी चाहिए थी कि क्राइस्ट चर्च अटैक के बावजूद पाकिस्तान ने हिम्मत की और हम वहां पे गए। और ऐसे कोई सिवियर थ्रेट भी मौजूद नहीं है। तारिक साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। मजर अब्बास साहब, अब कोई इन्फॉर्मेशन भी न्यूजीलैंड की जानिब से शेयर नहीं की गई है पाकिस्तान से, और उसके बावजूद इस दौरे को कैंसिल कर दिया गया, कोई कॉन्स्पिरेसी नजर आती है? देखिए, एक तो ये कि कॉन्स्पिरेसी जो है ना, वो कॉन्स्पिरेसी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। असल चीज ये कि पहले हमें असेस करना पड़ेगा कि क्या कोई जनरल या स्पेसिफिक थ्रेट थी या नहीं थी। कि अगर कोई, क्योंकि आमतौर पे एक जनरल अलर्ट इशू होती है इन दिनों में, क्योंकि ये मुहर्रम के सफर का जमाना है, फिलो आने वाला है, ये सारी चीजें होती हैं जो एक जनरली होम डिपार्टमेंट जो है, चाहे वो पंजाब का हो, सिंध का हो, एक जनरल थ्रेट, वो थ्रेट अलर्ट इशू करते हैं। और एक होती है स्पेसिफिक थ्रेट अलर्ट। ये हवाले से देखना ये होगा कि क्या न्यूजीलैंड टीम के हवाले से कोई जनरल या स्पेसिफिक थ्रेट इशू हुई थी या नहीं हुई थी। वो जनरल तो हुई हुई है जी, लाहौर से हुई थी 13 सितंबर को। हाँ, तो अगर जनरल, एक तो मुझे ये बताएं कि जनरल सिक्योरिटी अलर्ट में आपको न्यूजीलैंड का नाम लिखने की जरूरत क्या थी? एग्जैक्टली। देखिए, ये कुछ चीजें होती हैं जो कॉन्फिडेंशियल रखी जाती हैं। अब यही, ऐसा ही कोई लेटर किसी ने फॉरवर्ड कर दिया होगा न्यूजीलैंड की इंटेलिजेंस एजेंसी को। अपना अपना वो तो देखें कि आप कर क्या रहे हैं। जनरल थ्रेट जो है वो सिक्योरिटी थ्रेट आप करते हैं, कुछ चीजें होती हैं जिसकी सीक्रेसी मेंटेन करना बहुत जरूरी होती है। क्योंकि ये लेटर अगर अगर व्हाट्सएप पे किसी के लगा, उनको भी चला गया, तो वो इसको क्या समझेंगे? मुझे नहीं पता एग्जैक्टली उन्होंने इस चीज को असेस किया, किस तरह असेस किया, लेकिन ये लैप्स था ऑन आर पार्ट। और अगर कोई स्पेसिफिक थ्रेट थी तो वो उसका इल्म नहीं है। न्यूजीलैंड इंटेलिजेंस टीम जो इधर थी, उन्होंने इस चीज को किस तरह असेस किया, उन्होंने डेफिनेटली पाकिस्तान की टॉप इंटेलिजेंस एजेंसी से इसको शेयर किया नहीं किया, और उन्होंने इस चीज की क्या यकीन दहानी कराई। लेकिन जैसे शुरू में आमिर सुहेल कह रहे थे ना, कि जब एक ऐसी सिचुएशन आती है, हमारे यहाँ चीजें भड़के बहुत मारी जाती है ना, हमारे यहाँ जो चाहे वो इंटीरियर मिनिस्टर हों, दूसरे लीडर्स हों, इस दौर के हों, पुराने दौर के हों, तो हम बात चीजों में बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट करते हैं, बहुत ज्यादा इन चीजों को समझे बगैर। कि मुझे क्या पता, मुझे या आपको क्या पता कि न्यूजीलैंड की इंटेलिजेंस टीम के पास क्या रिपोर्ट्स हैं? मुझे नहीं पता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता। मेरा ख्याल है यहाँ जितने गेस्ट बैठे होंगे, नहीं, जो उन्होंने वजीर आजम इमरान खान साहब को बताया, उन्होंने कहा है जी, उनको जब ये ऑफर किया गया कि हम शायकीन के बगैर भी ये मैच कंडक्ट कर सकते हैं, करवा सकते हैं, तो उन्होंने, न्यूजीलैंड के वजीर आजम ने इमरान खान साहब को बताया कि हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि हमारी टीम जैसे ही निकलेगी होटल से, उन पर अटैक हो जाएगा। अब मैं इस्लामाबाद में रह रहा हूँ, तारिक साहब भी पिछले दिनों इस्लामाबाद में हुए थे, और 7-8 दिन से आप सेरिना होटल के इर्द गिर्द जा ही नहीं सकते हैं, तो उनके लिए तो बड़े फूल प्रूफ इंतजाम किए गए थे, लेकिन फिर भी उनकी जानिब से ये एक्सक्यूज सामने आना कि मुनासिब नहीं। जी शाही साहब, श्रीलंका की टीम जब थी यहाँ तो बहुत फुल प्रूफ इंतजाम थे ना, फिर क्या हुआ? आपने टीम को ऐसे मौके पे निकाला जब वहां वहां जिसको जिस प्रोटोकॉल को होना चाहिए था वो वहां था ही नहीं, मिसिंग था। गॉट इट। ये श्रीलंका का जो वाकया है ना, आपके लिए आई ओपनर है, बिल्कुल सही है। जो लोग इंटेलिजेंस के, इंटेलिजेंस जो फेलियर था, उनको तो 14-14 साल सजाएं होनी चाहिए थी। बिल्कुल सही है। उन्होंने पाकिस्तान को एक ऐसी मुश्किल में डाल दिया जिससे हम आज तक नहीं निकल पाए हैं। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिन जो पुलिस ऑफिसर थे, जो इंटेलिजेंस ऑफिसर थे, उनको प्रमोशंस मिली हैं। बिल्कुल सही है, यही बात तारिक साहब भी कह रहे हैं कि उन ऑफिसर्स को कोई पनिशमेंट नहीं दी गई। इसी नोट पे एक छोटा सा ब्रेक लेने की इजाजत दीजिए मजर अब्बास साहब। ब्रेक के बाद जमशेद चीमा साहब से जवाब लेंगे कि ये हुकूमत का फेलियर था, हुकूमत क्यों नहीं यकीन दहानी
करवा सकी न्यूजीलैंड के क्रिकेट बोर्ड को, न्यूजीलैंड के हुकाम को। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। जमशेद चीमा साहब, हमारी यकीन दहानी को न्यूजीलैंड हुकाम की जानिब से माना क्यों नहीं गया, कोई साजिश हुई है, इस पर भी बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें साजिश तो डेफिनेटली है। वो साजिश मैं समझता हूँ कि नॉर्मली जो यूरोप के लोग हैं या अमेरिकन, ये थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव है टू द सिक्योरिटी, और बल्कि समटाइम दे आर ओवर सेंसिटिव। मैंने अमेरिकन कंपनी में जॉब की हुई है, तो वो जो हमारी मैनेजमेंट वो कहती थी कि बाजू का हमारा बिजनेस लॉस हो जाता है, ये जो मतलब ड्यू टू दिस जो ट्रेवल आप कह लें एडवाइस आती है। ट्रेवल एडवाइस में उनमें यह था कि कोई बंदा अमेरिका पाकिस्तान आता है तो उसकी जो उसकी इंश्योरेंस है वो लैप्स हो जाती थी, और पाकिस्तान आने से पहले उसकी इंश्योरेंस जो है वो लैप्स हो जाती थी। तो वो कहते थे कि जी मेरी इंश्योरेंस लैप्स हो गई पाकिस्तान आने के लिए। तो बाज़ अवकात जो टॉप लेवल की मैनेजमेंट है वो नहीं आती है। तो आप तो हुकूमत तो कहती है कि इमरान खान साहब का बहुत बड़ा नाम है, बड़ा ज्यादा इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है, इन्फ्लुएंस भी है, क्लाउड भी है, और इमरान खान साहब की बात सुनी जाती है, तो इमरान खान साहब की भी बात पर यकीन नहीं किया गया, क्यों? सर आपने तीन बंदे बहुत बैठाए हुए मुखालिफ, तो फिर मेरी बात तो करने देना। जी 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 प्लीज। दूसरा, मैं आपको पता होना चाहिए मैं टीचर हूँ, तो टीचर में दरमियान में बोले तो अजीब लगता है जरा, तो थोड़ा सा लिहाज करना। पूरा जहान अपने मुखालिफ कर लिया, अरे वो तो इतना इतनी मुखालफत नहीं है आपकी। चलो इतनी है मुझे पता लग रहा है, इतना बोला नहीं हूँ। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि बेसिकली आप कह लें कि ये थोड़ा ओवर सेंसिटिव एक तो इशू हो सकता है, डेफिनेटली इनके साथ, ओवरऑल यूरोप के साथ है, अमेरिकन के साथ है। दूसरा यह है कि यकीनन उन्हें जो भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है उनका, वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन झूठा झूठा हो या सच्चा हो, डेफिनेटली किसी ना किसी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को उन्होंने रिएक्ट किया है। वो इंडियन हो सकता है, वो अमेरिकन हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। और आजकल जिस तरह की सिचुएशन अफगानिस्तान में हुई है, बाज़ लोगों को आप कह लें कि दे आर नॉट हैप्पी विद दिस सिचुएशन, लिहाजा आप कह लें वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ हो सकती है। मुझे फिर दूसरी बात, अभी आमिर सोहेल साहब एक बात कर रहे थे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ये बात नहीं करनी चाहिए थी, ये मतलब उनका अपने कंसर्न है, उनके अपने दुख दर्द होते हैं। ये मैं समझता हूँ कि सेंसिटिविटी शो करने का आखिरी यू कैन से एक लेवल है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने खुद बात की, और इन्हें करनी चाहिए थी ये बात। टीमा साहब ये पूछ रहा था, दोनों पार्टिसिपेंट्स इस बात पर इत्तेफाक राय करते हैं कि इसमें हुकूमत का फेलियर भी शामिल है, चूंकि हमारे पास कोई प्रॉपर ऐसा आदमी नहीं है जो सिक्योरिटी के अफेयर्स प्रॉपरली देख सके, और कोई गैर संजीदगी वाला माहौल ज्यादा है। देखिए, मैं समझता हूँ ये गैर संजीदगी वाला माहौल कभी भी नहीं है। आप कह लें, आप रहमान मलक की बात कर लें या एहसन इकबाल की बात कर लें या शेर शीद की बात कर लें, ये कभी भी ऐसे लोग नहीं है कि जो प्रोफेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के लोग हैं, ना मतलब जो वजीर दाखला थे मुस्लिम लीग नून के, ना पीपल्स पार्टी के, ना हमारे। इनका जो जो पहले पार्लियामेंट के लोग हैं, इनका डिफरेंट रोल होता है। प्रोफेशनल लोग वहाँ पे होते हैं, और प्रोफेशनल लोग आज भी मौजूद हैं, पहले भी होते थे। इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि प्रोफेशनलिज्म नहीं था। बाकी मतलब किसी को गालियां याद आ जाए, किसी को गैर संजीदगी याद आ जाए, मुखालफत याद आ जाए, उसे मैं समझता हूँ कि ये मौका नहीं इस्तेमाल करने का। कौम पूरी दुखी है। जो बात आमिर सोहेल साहब ने एक बात की कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है क्रिकेट का, अभी बल्कि मैं शुएब का पढ़ रहा था ट्वीट, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान को दे हैव किल्ड द पाकिस्तानी क्रिकेट, ये बात ठीक है, मतलब लॉस बहुत बड़ा है। तारेट साहब, मरियम साहिबा बात कर रही हैं कि इख्तलाफात हो सकते हैं लेकिन क़यादत पर सब मुत्तफिक हैं, तो इसका मतलब जो मीडिया में चेमेगोइयां खबरें गर्दिश कर रही हैं, शहबाज शरीफ साहब इजलासों में भी नहीं आ रहे, इख्तलाफात तो बहरहाल मौजूद हैं, और क्यों अपने आप को कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, या साइड पर उन इजलासों का हिस्सा नहीं बन रहे हैं? देखिए, बात बड़ी सिंपल है। मुख्तलिफ आरा जरूर होती हैं, हर किसी की पॉलिटिक्स की टूवर्ड्स डिफरेंट अप्रोच होती है, हर किसी की एक अपना जहन होता है, और वो ऑब्वियसली हमारी पार्टी में बड़ा इसको फ़रोग दिया जाता है कि अपनी राय का खुल के इजहार करे हर कोई। और मगर एक बात बड़ी मुत्तफिक है कि पार्टी के अनडिस्प्यूटेड कायद मियां नवाज शरीफ हैं, वो जो भी फैसला करते हैं सारों की राय सुनने के बाद, फिर पूरी पार्टी उस पर अमल दरामद भी करती है, उसकी अमल दरामद को यकीनी भी बनाती है,
और देखिए ये 30-40 साल से एक कोशिश है हमारे मुखालफीन की कि कोई तफरका डले, कोई इख्तलाफ हो और उस इख्तलाफ के नतीजे में पार्टी डिवाइड हो। बट देखिए एक तो पॉलिटिकल कायद मियां नवाज शरीफ को माना है मियां शहबाज शरीफ ने, वो एक अपनी जगह हकीकत है। उसके साथ साथ जिस तरह हर मशरकी घराने में वालिद के बाद एक बड़े भाई की इज्जत की जाती है, तो वो भाई को भी वालिद की जगह समझते हैं। और कभी भी देखिए उनकी बिल्कुल एक अप्रोच है पॉलिटिक्स की टूवर्ड्स, मगर कभी भी वो अपनी जो उनकी सियासत है जिसमें वो नॉन कॉन्फ्रंटेशन में बिलीव करते हैं, जिसमें वो एक नेशनल कंसेंसस में बिलीव करते हैं, कभी उन्होंने वो बेनिफिशरी नहीं रहे अपनी इस सोच की। यानी अटक किला काटा है उन्होंने, जिला वतनी काटी है, वो 2 मरतबा इस्तीफा जेल हो आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि सोच होना एक और बात है, उस सोच से बेनिफिट उठाना एक और बात है, मगर मियां शहबाज शरीफ ना सिर्फ अपने लीडर के वफादार है बल्कि अपने भाई के भी वफादार है। आपने इख्तलाफात की बात की, वो तो नजर आ रहे हैं, पार्टी में डिवीजन तो नजर आ रही है, मफाहमत या मजामत किस बयानिये के साथ जाना है। और फिर कंटोनमेंट इलेक्शंस में भी हमने देखा कि वोट को इज्जत दो से बयानिया काम को इज्जत दो वाला हो गया। देखिए कंटोनमेंट में मैं तो हैरान हूँ कि कश्मीर के इलेक्शन के बाद लोग हमें कह रहे थे जी आप हारे इस वजह से हैं कि आपकी पार्टी में 2 बयानिये चल रहे हैं। देखिए 2018 के इलेक्शन में हमें अल्लाह ताला ने बड़ी कामयाबी दी, पंजाब में हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे, तरीके इंसाफ ने जो आज़ाद शामिल किए और जिस तरीके से गवर्नमेंट बनाई है मिन्नत तबला करके, वो एक तारीख का हिस्सा है। मगर पंजाब ने हमें मैंडेट दिया था और 2013 में मुझे याद है खैबर पख्तूनख्वा में अगर हम चाहते तो हम JUIF के साथ मिलकर हुकूमत बना सकते थे, हमने इनके मैंडेट को रिस्पेक्ट किया और इन्होंने नहीं किया, इनकी मर्जी है। मगर हमारे 2 नारे थे, वोट को इज्जत दो और खिदमत को वोट दो। पंजाब में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और नेशनल असेंबली में हमारी 84 सीटें हैं, बावजूद इसके कि बदतरीन तोड़फोड़ की गई, लोगों की वफादारियां तब्दील करवाई गई, जनूबी पंजाब महाज बनाया गया, हमारे लीडर को बकायदा डे टू डे हियरिंग्स करके कन्विक्ट करवाया गया, इस सब के बावजूद हम 2 नारों के साथ उस इलेक्शन में बड़ी अच्छी सीटें लेकर बाहर निकले। और अब अगर ये बात की जाए कि कोई कंफ्यूजन है जिसकी वजह से हमें नुकसान हो रहा है, तो मेरी बात सुने कि लाहौर में काम को वोट दो का नारा भी लगा, वोट को इज्जत दो का नारा भी लगा, हम तमाम बड़े शहर जीते हैं और अल्लाह ताला के फजल से ये जो वोट को इज्जत दो का बयानिया है, आइन की हुक्मरानी का, कानून की रिस्पेक्ट का, वोट की रिस्पेक्ट का, वोट की सैंक्टिटी का, ये तो अब गली गली मोहल्ले मोहल्ले पहुंच गए, सब पता है मुस्लिम लीग नून का बयानी है। राइट, नवाज शरीफ साहब का भी स्टेटमेंट है, उस पर भी कॉमेंट कर दें। वो कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई लड़ाई नहीं, और दूसरी जानब शहबाज शरीफ साहब का नाम भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पिच कर रही है बतौर वजीर आजम के, तो दैट मीन्स के आपको कोई स्पेस चाहिए, स्पेस लेने के लिए आप शहबाज शरीफ साहब को यूज भी कर रहे हैं और अब उनको आपने पोर्ट्रे भी करना शुरू कर दिया। हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं, हम चाहते हैं जिसका मैंडेट हो उसको रिस्पेक्ट किया जाए, जिसको वोट डले उसका वोट निकले। अब फ्री एंड फेयर इलेक्शन की डिमांड भी यही डिमांड है कि वोट को इज्जत दो, तो हमारी तो आइन की हुक्मरानी की बात है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात है और किसी जमात के साथ कोई फेवरेटिज्म ना हो। आपका वज़ीर-ए-आज़म का उम्मीदवार कौन होगा तारिक साहब? शहबाज शरीफ साहब होंगे, नवाज शरीफ साहब होंगे? देखिए मियां नवाज शरीफ साहब के केसेस पे डिपेंड करता है, अगर तो उनके नाहली खत्म हो जाती है तो ऑब्वियसली मियां नवाज शरीफ होंगे, मगर मियां नवाज शरीफ के बाद मियां शहबाज शरीफ साहब जमात के सदर भी हैं और उम्मीदवार भी वही है, इसमें तो कोई अभाव नहीं है। कल कोई दोस्त बता रहे थे एस्टेब्लिशमेंट ने इजाजत दे दी है नवाज शरीफ साहब वापस आ सकते हैं। देखिए वो जिन दोस्त ने आपको बताया है या वो इस पे बेहतर कमेंट कर सकते हैं, मेरा तो किसी से कोई रास्ता इस हवाले से नहीं है। अच्छा, अल्लाह करे आपके मुंह में घी शक्कर। चले चले इसी नोट पे छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जमशेद चीमा साहब से भी और बजर अब्बास साहब से भी बात करेंगे कि कंटोनमेंट वाला ट्रेंड आम इंतखाबात में भी रिपीट हो सकता है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। बजर अब्बास साहब, ये कंटोनमेंट इंतखाबात में जो चीज़ें हमारे सामने आई, रिजल्ट सामने आए, यही आम इंतखाबात में रिपीट हो सकते हैं फ्रेंड्स? पहले तो शायद मैं तो आपसे फोन पे वो कह रहा था, मैं सीमा साहब ने ये कहा कि आपने अपने 3 मुखालफीन तेरे सामने बैठाए हुए हैं, मुझे नहीं पता, मैं आपके बारे में नहीं कह सकता, मैं अता साहब तो जाहिर है मुस्लिम लीग नून के हैं,
लेकिन आई टू का स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन, वो टीचर हैं, अपने आप को टीचर कह रहे हैं वो, और विदाउट गोइंग इन टू डिटेल ही पास द स्लिपिंग रिमार्क विच आई टू का स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन। पहली चीज तो ये, मैंने 40 साल सहाफत की है, मैं सिर्फ जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखता हूँ और किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखता हूँ। दूसरी बात ये कि वो मुझसे एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन काइंडली इस तरह के रिमार्क्स कम से कम मैं एक टीचर से एक्सपेक्ट नहीं करता। दूसरी बात ये कि कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन एक इंडिकेटर जरूर हो सकते हैं, बैरोमीटर नहीं हो सकते। बैरोमीटर हाँ, लोकल बॉडीज इलेक्शन अगर होते हैं और लोकल बॉडीज इलेक्शन में ये सारी चीजें, अगर लोकल बॉडीज इलेक्शन कोई जीतता है या जिसकी मेजोरिटी आती है, क्योंकि लोकल बॉडीज इलेक्शन पाकिस्तान में ग्रास रूट लेवल की बदकिस्मती से हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ने ग्रास रूट लेवल की तो नर्सरीज को खत्म कर दिया है। मुझे बताएं, पीटीआई को 3 साल हो गए, मुस्लिम लीग नून को, तीसरी गवर्नमेंट थी, किसी एक गवर्नमेंट ने स्टूडेंट यूनियन को बहाल करने की किसी ने बात की? जो बेसिक नर्सरीज हैं, ट्रेड यूनियन के राइट्स ऑफ एसोसिएशन को किसी ने बहाल करने की बात की? इन सियासी जमातों ने पाकिस्तान में पॉलिटिकल नर्सरीज को खत्म कर दिया है, और पॉलिटिकल नर्सरीज जब खत्म होती हैं तो फिर हैंडपिक लोग आते हैं, फिर ग्रास रूट लेवल से लोग नहीं आते। तीसरे लोकल बॉडीज इलेक्शन, लोकल बॉडीज इलेक्शन की आप तारीख उठा लें, बदकिस्मती से लीग ने एक इलेक्शन कराए, और जनरली हमारे यहाँ पोलिटिकल पार्टीज जो है अपने सिविलियन गवर्नमेंट ने लोकल बॉडीज इलेक्शन नहीं कराती। तो जब आपके यहाँ नर्सरीज ही खत्म हो गई हैं, तो आपके यहाँ पॉलिटिकल ग्रोथ कहाँ से होगी? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, खत्म हो गई है। इसलिए लोग जिस तरीके से आते हैं वो आप और हमारे सामने, इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर लोकल बॉडीज इलेक्शन होते हैं तो डेफिनेटली उसमें जो पार्टी जो है जीतेगी, या जिनकी ज्यादा नशिस्तें आएंगी, या जिनके ज्यादा सिटी नाजम होंगे, लोकल बॉडी इलेक्शन को एक बैरोमीटर जरूर कह सकते हैं। जरूर का, बिल्कुल सही, बोर्ड के इलेक्शन में अर्बन सेंटर्स में जो जीतना जो है वो पीटीआई के लिए इसलिए ज्यादा कंसर्न है कि सिर्फ यही नहीं, इवन सिंध में भी जो आप देखें तो ऑपोजिशन यानी पीपल्स पार्टी पीटीआई ने जरूर नशस्तें ली है, लेकिन पीपल्स पार्टी की जिसकी कराची में 3 नशस्तें थी उसकी 12 हो गई। इसी तरीके से जमात इस्लामी की 5 जो है वो कराची से 5 जीत ली। तो मेरा ख्याल है ओवरऑल सिनेरियो में रीविजिट करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक हो गया। कंटेनमेंट बोर्ड और बाय इलेक्शंस को सामने रख के पीटीआई को अपनी आगे की स्ट्रेटेजी बनानी, बिल्कुल सही हो गया। ब्रीफ सा कमेंट चाहिए। मजल भाई ये बताइए कि अब शहबाज शरीफ साहब को पिच किया जा रहा है वजीर आजम के कैंडिडेट के तौर पर, मुस्लिम लीग नून इसलिए ऐसा कर रही है कि उसको पोलिटिकल सिनेरियो में पोलिटिकल जो फ्रेमवर्क है वहां पर स्पेस रिक्वायर्ड है। अभी देखिए, अगर नवाज शरीफ वापस नहीं आते या वापस आते हैं और वो अपील दोबारा फाइल करते हैं, सरेंडर करते हैं, और उनकी अपील में उनके खिलाफ फैसला हो जाता है, ये फॉर दैट मैटर अगर नवाज शरीफ, मैं मरियम नवाज की बात नहीं कर रहा, अगर नवाज शरीफ की वापसी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में वापसी नहीं होती तो कैंडिडेट शहबाज शरीफ होंगे, वरना ये पार्टी टूट जाएगी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक हो गया। चीमा साहब, कंटोनमेंट इंतखाबात में आपको शिकस्त क्यों हुई है? सबसे पहले तो जी मैं माजरत करूंगा मदर साहब, मैंने मिस किया, मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ अपना अबसार आलम साहब का नाम और मदर साहब का। मैंने अभी नेट से निकाल के देखा, एक्स पैमरा चेयरमैन कौन थे, तो अबसार आलम साहब थे। सो आई कंफ्यूज दैट मदर साहब, आई एम सॉरी फॉर दैट। सो दिस वाज द रीजन, बेसिकली अबसार आलम और आपको मैं कंफ्यूज कर गया। दूसरा मदर साहब का कमेंट एक आ रहा था स्टूडेंट यूनियन का और ये ट्रेड यूनियन का। स्टूडेंट यूनियन मैं जी बड़ा एक्टिव रहा हूँ, मैं तकरीबन 15 साल ऑलमोस्ट 1980 से लेके 1990 तक, बल्कि 10 साल मैं स्टूडेंट यूनियन में रहा हूँ जी। इसमें मैं समझता हूँ कि ये तो पाकिस्तान की तारीख में एक अच्छा फैसला हुआ कि जितने अब लॉ अबाइडिंग क्या नाम है लॉ लेसनेस करने वाले लोग स्टूडेंट यूनियन में पैदा किए कभी नहीं हुए। ये अब मतलब एक नर्सरी बन गई, एक मतलब कानून तोड़ने या कानून को ना मानने वालों की। और जो हमारे आज अदारों का एसओईज जो हैं, स्टेट ओन्ड जो एंटरप्राइजेज हैं, उनका जो हाल है वो भी आप कह लें कि यहाँ के यूनियन ने किया। बिल्कुल सही है। दूसरा बल्दियात जो है ये डेफिनेटली एक नर्सरी मौजूद है, ये इसमें
अनफॉर्चुनेटली पीपल्स पार्टी की हम बात करें, मुस्लिम लीग की बात करें, और आज हम भी वो नहीं कर सके। जमशेद चीमा साहब, मरियम साहबा कह रही हैं कि नवाज शरीफ 40 साल से चार नस्लों के वजीर आजम हैं, लीडर हैं, लेकिन इमरान खान साहब को कोई लीडर तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। देखें, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं ना कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं देना चाहता, बड़े रीजनेबल रिमार्क्स, लेकिन मरियम साहबा की मैंने उनके खिलाफ इलेक्शन भी लड़ा है, मेरी तो डायरेक्ट अपोनेंट है वो। मरियम साहबा की स्टेटमेंट्स को मैं कम अज कम अगर कहूँ तो सीरियस नहीं लेना चाहिए, मतलब उनकी जहनी हालत उस लेवल की नहीं है या इतनी ज्यादा बिटर हो चुकी हैं कि वो एक या तरह जुमले बोल जाती हैं, तरह लफज बोल जाती हैं, वो एक गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट बन जाती है। मैं समझता हूँ कि जो आप कह लें कि फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जो भी कह लें, अब मरियम साहबा मतलब पार्टी में दूसरी तीसरी अहम तरीन लीडर हैं। अपनी पार्टी में जो इस लेवल पे बंदा हो उसको बिटरनेस जो है उसके रख के साइड पे तो विजडम से बात करनी चाहिए। वो बहुत अजीब से बोल जाती है। देखें फ्रेंकली, मैं बात कर प्लीज। देखें मियां साहब पहले क्या थे, मतलब मुझे भी पता है क्या है, लेकिन आज चूंकि वो दो बार या तीन बार वजीर आजम बन गए, शहबाज शरीफ साहब क्या थे लेकिन वो वजीर आला बन गए, तो मुझे उनका नाम एहतराम से लेना चाहिए। इमरान खान साहब पाकिस्तान के वजीर आजम है, वो इलेक्शन जीत के आए हैं, वो 22 साल आप कह लें उनका कैरियर है। बिल्कुल सही है। इस तरह के रिमार्क्स ये अपनी बेइज्जती करने वाली बात है, ये आप कह चांद थूकने वाली बात है। अगर किसी को इज्जत देता है तो आपको इस तरह के रिमार्क्स इज्जत देनी चाहिए आपको भी। बिल्कुल ठीक हो गया तारक साहब, एक तो इनको रिस्पॉन्ड कर दीजिए चीमा साहब को, दूसरा ये भी बता दीजिए नवाज शरीफ साहब कब और कौन से दुरुस्त वक्त पर पाकिस्तान आ रहे हैं। देखिए, एक तो इमरान खान साहब के बारे में मैं इतना कहूंगा कि अगर बद तहजीबी, बदतमीजी और इस मुल्क के अंदर पोलराइजेशन और पोलिटिकल डिवाइड और गालम गलोच की सियासत को फरोग दिया था इमरान खान साहब ने, दिया 126 दिन के धरनों में वो किसी गली के गुंडे की भी तकरीर ऐसी नहीं होती जिस तरह की मार दो ठोक दो, ओए आए जी मैं फांसी दे दूंगा। महमूद खान अचक लीडर है, पख्तून लीडर है, सर पे दुपट्टा पहन के सर पे, देखिए जेनी हालत का तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि वो किस जेनी हालत में होते हैं। अभी भी मतलब जो शख्स जापान और जर्मनी का बॉर्डर इकट्ठा कर दे, जो गोलान हाइट्स को सीरिया से निकाल के किसी और मुल्क में प्लेस कर दे, तो फिर ज़हनी हालत तो आपको असेस कर लेनी चाहिए कि वज़ीर आज़म किस ज़हनी हालत में है। और ये नवाज शरीफ साहब कब वापस आ रहे हैं, टाइम खत्म हो गया, जब 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 इलाज मुकम्मल होगा वो जरूर वापस आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया अता तारिक साहब, जमशेद चीमा साहब, मज़हर अब्बास साहब, शो का वक्त खत्म हो गया, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी, कल तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।